इस वक्त कांग्रेस किस तरह कैंपेन कर रही है, इस पर आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने कांग्रेस नेता रघु शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। इस वक्त गुजरात में कांग्रेस किस तरीके से कैंपेनिंग कर रही है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रघु शर्मा जी। सर, ये बताइए, क्या चुनाव में अभी आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीत रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं नहीं आएगी अरविंद केजरीवाल की, मैंने लिख के दिया है, धरातल पे कुछ है ही नहीं, ये परसेप्शन में जिंदा है, आउटडोर कैंपेन पे जिंदा है। गुजरात में लोग रहते हैं, 5 साल विपक्ष के रूप में कांग्रेस को देखा उन्होंने बीजेपी से लड़ते हुए। यहाँ अरविंद केजरीवाल तो मौसमी पार्टी के नेता है, MIM मौसमी पार्टी है, कोई वोट नहीं कटेगा जिस उद्देश्य से आए हैं। मैंने कहा बी टीम है बीजेपी की, जो बी टीम होती है उसका कोई असर नहीं होता है। इस बार सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और ये चुनाव महंगाई के मुद्दे पर हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो रहा है, और गुजरात में कोविड मिसमैनेजमेंट जो इन्होंने किया जिसमें 3 लाख लोगों की जान गई उसके ऊपर हो रहा है। हम जवाब मांग रहे हैं, पब्लिक जवाब मांग रही है, लोगों को पेट में रोटी चाहिए, हाथ में रोजगार चाहिए, अर्थव्यवस्था ठीक चाहिए। जिस बात को ये जोर शोर से उठाते थे जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता था, देश की इज्जत से जोड़ते थे, कांग्रेस की सरकार थी, मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है, आज क्या जवाब है उनके पास? ये जो गैस का सिलेंडर जिसको लेके स्मृति ईरानी और इनकी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया जब कांग्रेस की सरकार थी, कीमत थी 400 रुपये, आज 1100 पार हो गई, लोगों ने सिलेंडर को उल्टा किया है, स्मृति ईरानी को उस पर बैठाया है और उससे पूछा है कि भाई जवाब दो। इन चीज़ों का जनता को जवाब देना पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो वेजलपुर में जाते तो ये कह रहे हैं कि आप बॉर्डर पे रहते हैं, आप यहाँ से, आपको अगर चाहते हैं कि गुजरात में शांति बनी रहे, वो सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, 2002 के दंगों में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इधर उधर के मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे तरस आ रहा बीजेपी के नेताओं पर, क्योंकि वो घबरा क्यों रहे? मुख्य मुद्दे जो है जो जनता को परेशान कर रहे हैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं करना चाहते? चुनाव किस पे होते हैं? डेमोक्रेसी की स्थापना हुई अकाउंटेबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट उसमें यकीन नहीं करती बीजेपी, आपको जवाब देना पड़ेगा।